नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं मैथिली ठाकुर जी की। और मैथिली ठाकुर जी मेनली ट्रेडिशनल म्यूज़िक, लोक संगीत या फिर लोकगीत वगैरह जो होते हैं उन सब पर ये अपने वीडियोस को चैनल पे वीडियोस को अपलोड करती हैं। आप लोग कह सकते हैं ट्रेडिशनल वीडियो, ट्रेडिशनल जो चीज़ें होती हैं इंडिया की, ट्रेडिशनल कल्चर से जुड़ी हुई उन सब चीज़ों पर और ट्रेडिशनल म्यूज़िक्स पर, इन सब चीज़ों पर अपने वीडियो को ही अपलोड, अपने चैनल पर वीडियोस अपलोड करती हैं। और आप लोगों को इनके बारे में बहुत अच्छे से पता होगा, मुझसे भी ज़्यादा अच्छे से आप लोगों को पता ही होगा, तो मुझे इनके बारे में ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। तो आप लोगों को इनके बारे में पता ही है। और ये चीज़ आप लोगों को मैं बता दूँ कि इन तरह की वीडियोज़ में, इन टाइप की वीडियोज़ में हम लोग बात करते हैं यूट्यूबर्स या क्रिएटर्स की अर्निंग इनकम की। तो हम लोग बात करेंगे मैथिली ठाकुर जी के यूट्यूब चैनल से जो उनकी अर्निंग आती है, इनकम आती है, उसी चीज़ पर हम लोग इस वीडियो में या इन वीडियोज़ में बात करेंगे। तो जैसा कि आप लोग देख सकेंगे अपनी स्क्रीन पर, मैंने एक अलग सा इंटरफेस खोल रखा है और इस इंटरफेस में आपको उनके चैनल की जितनी भी डिटेल्स हैं, जानकारी वगैरह, इन्फॉर्मेशन, स्टैटिस्टिक्स वगैरह, वो आप सब यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि आप लोगों को लेफ्ट हैंड साइड पे, बाएं हाथ साइड पे उनके चैनल का आइकन जिसमें उनकी पिक्चर है, संगीत या गीत को गाते हुए, आप लेफ्ट हैंड साइड पर देख सकेंगे। साथ ही में आपको उनके चैनल का नेम मैथिली ठाकुर जो आपको देखने को मिल जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पर। और सेंटर पे आपको हिंदी में बड़ा सा उनका नाम लिखा हुआ देखने को मिल जाएगा जिसे हम लोग चैनल वॉलपेपर या चैनल का बड़ा सा इंटरफेस कहते हैं। वो सब चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो आपको समझ में ही आ गया होगा कि हम उन्हीं के चैनल के डैशबोर्ड या इंटरफेस में। साथ ही में आपको उनके चैनल की जितनी भी डिटेल्स हैं, रिटर्न डिटेल्स, स्टैटिस्टिक्स वगैरह, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कितने टोटल अपलोड वीडियोस हो चुके हैं इनके, कितने टोटल सब्सक्राइबर्स हैं, कितने टोटल व्यूज़ अब तक आ चुके हैं चैनल वगैरह पे, तो ये सब चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो अगर आपको इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट है, डाटा वगैरह में, स्टैटिस्टिक्स वगैरह में, तो आप देख लीजिए। अभी हम बात लेते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ की। देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इनकम या अर्निंग, जिस वजह से आपने इस वीडियो को क्लिक किया है, चलो इसकी बात कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें और बता दूं जो आपको किसी भी यूट्यूबर या क्रिएटर की अर्निंग इनकम जाने से पहले जान लेना चाहिए। पहली चीज़ तो ये कि जो इनकम या अर्निंग मैं आपको दिखाता हूँ या बताता हूँ वो एक वेबसाइट बेस्ड डाटा है, जैसे कि आप लोग खुद देख सकते हैं कि एक वेबसाइट बेस्ड डाटा है। दूसरी चीज़ ये जो इनकम या अर्निंग मैं आपको दिखाता हूँ या बताता हूँ वो हर मंथ के हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट आती है, यानी हर महीने के हिसाब से आपको अलग अलग अर्निंग या इनकम देखने को मिलती होगी। और लास्ट या तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो इनकम या अर्निंग मैं आपको दिखा रहा हूँ वो प्रीवियस मंथ की है, तो पिछले महीने की जो अर्निंग इनकी आई है मैथिली ठाकुर जी की, वही मैं आपको दिखा या बता रहा हूँ। तो चलिए अब और बातें नहीं करते हैं, हम लोग डायरेक्टली इनकी अर्निंग इनकम देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकेंगे 2.8K, लगभग $2,800, $2,800 एक मंथ के हिसाब से कर ले रही अर्निंग। $2,800 को भी हम क्या करेंगे, इंडियन रुपीज़ में, भारतीय रुपए पैसों में कन्वर्ट करेंगे और जानेंगे कि भारतीय रुपए पैसों में $2,800 कितने होते हैं। चलिए जान लेते हैं फिर। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ पर गूगल खोल लिया है और गूगल पर मैं $2,800 लिख देता हूँ जितनी उनकी अर्निंग हो जाती है, और फिर मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ, देखते हैं भारतीय रुपये पैसों में कितने होते हैं। $2,800, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं $2,800 हो जाते हैं लगभग 218,603 रुपयों के हिसाब से। तो 218,600 रुपये कमा लेती हैं एक मंथ के हिसाब से लगभग सब ऐड वगैरह, ऐड वगैरह, शॉर्ट्स वगैरह, वीडियोस और भी जो वीडियोस होती हैं सब अगर अर्निंग हम मिला लें, शॉर्ट फंड, रेवेन्यू फंड और भी जितनी भी अर्निंग है वो सब मिला लेंगे, तो 218,000 के हिसाब से हो जाते हैं। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट कर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।